hello everyone my name is swati your english educator from magnet brains and in this video we are going to start the third chapter of our honey Circle book grade 6 which is a japanese story and it's about a boy who is a very loving and dutiful uh, dutiful daughter no, son okay son to his parents he loves his parents and book is hattaka उनको उनके विशेष को पूरी करने के लिए वो कितनी मेहनत करता है वो पूरी स्टोरी है एंड उसको एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी मिलती है वो हेल्प किससे मिलती है उसको कोई आदमी से मिलती है कोई जानवर से मिलती है या कुछ मिस्टीरियस है सो so, वो हम जानेंगे स्टोरी में लेकिन इस स्टोरी के थ्रू आपको क्या समझने को मिलता है या आपको क्या जानने को मिलता है वो मुझे आप बताओगे वंस वी आर डन रीडिंग दिस चैप्टर सो लेट्स बिगिन रीडिंग दिस ब्यूटिफुल स्टोरी टेरोज रिवर्ड रिटर्न

सो so, ये एक वुड कटर की कहानी है जिसका नाम क्या है टैरो और वो कहाँ पे रहता था एक लोनली हिल साइड में मतलब एक कोई पहाड़ की पहाड़ी जगह है जहाँ पे वो अकेले रहता था अपने मम्मा पापा के साथ अकेले मतलब लोनली हिल साइड है वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते All day long he chopped wood in the forest. और वो दिन भर वो क्या काम करता था अब वो वुड कटर था तो वो चॉप करता था मतलब छोटे-छोटे छोड़ पीसेस में काटता रहता था. Though he worked very hard, he earned very little money. अब वो बहुत मेहनत करता था लेकिन उसको बहुत कम पैसे मिलते थे. He this made him sad for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो वो जो था वो बहुत दुखी था क्यों क्योंकि वो इतना नहीं कमा पा रहा था कि वो अपने पेरेंट्स को एक बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल लाइफ दे सके वो उनसे बहुत प्यार करता था वो उनको बहुत रिस्पेक्ट करता था और शायद इसीलिए क्योंकि उसके अंदर एक फीलिंग थी कि मे बी मैं उनके लिए बेटर कर पाऊँ लेकिन वो नहीं कर पाता था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे वन ईवनिंग वेन चैरो एंड हिज पेरेंट्स व सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हार्ट स्ट्रॉ विंड बिगेन टू ब्लो एक शाम को क्या हुआ टैरो अपने पेरेंट्स के साथ अपने एक कॉर्नर एक में बैठा हुआ था बहुत जोर से हवा चलने लग गई इट विस्ट थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हर्ट एंड एवरी वन फिलेरी कोल्ड अब यहाँ पे हमें वो क्या बता रहे हैं कि जो टैरो है वो बहुत ज्यादा पुअर है उसके पास जो घर है उसका उसमें क्रैक्स हैं तो जब इतनी जोर से हवा चल रही है तो वो ठंडी हवा है वो क्रैक्स के अंदर से आ गई एंड एवरीबडी फेल्ट कोल्ड जैसे अगर आपको मान लो बहुत ठंड का मौसम है और अगर आपके घर की कोई दरवाजा या कोई खिड़की खुली रह जाती है तो कितनी जोर से ठंड लगती है ऐसा लगता नहीं, नहीं सबसे पहले दरवाज़ा बंद करो खिड़की बंद करो तो उनके घर में ऐसे क्रैक्स थे जहाँ से अंदर हवा आ गई एंड एवरीबडी फेल्ट वेरी कोल्ड इट विस्ट The cracks of the heart. Whistle through का मतलब क्या होता है? इट passes थ्रू और जब हवा कोई बहुत पतली सी जगह से निकलती है ना, तो उसमें से एक आवाज़ भी आती है, एक whistling sound आता है, जैसे सीटी बजाने वाला साउंड आता है। सो सडनली टैरोस फादर सेड I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. तो अब उसके फादर ने क्या बोला? I wish I had a cup of sake. अब यहाँ पे ये इसको सेक डू नॉट रीड इट एज सेक इसका मतलब होता है इसको हम रीड करते हैं साके ओके okay? एंड साके का मतलब होता है एक जैपनीज ड्रिंक होती काइंड ऑफ अ चाय ओके इट वुड वर्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड मतलब वो मुझे गर्म रखेगा और मेरे दिल को जो है वो एक गर्मी पहुँचाएगा मतलब मैं मैं जो अभी इस वक्त इतना कोल्ड फील कर रहा हूँ मेरी बॉडी एक हो रही है ये सब चले जाएगा

जो टैरो था वो बहुत सैड हो गया क्यों क्योंकि उसे ये पता था ये जो हार्ट वार्मिंग आ, ड्रिंक है जिसको पीने से आपकी बॉडी में बहुत गर्माहट आ जाती है जो साके जो ड्रिंक है ये बहुत एक्सपेंसिव होती है एक्सपेंसिव मतलब बहुत कॉस्टली होती है हाउ डू आई अर्न मोर मनी ही आज हिमसेल्फ अब उसने क्या सोचा कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ अब था तो वो वुड कटर तो ज़्यादा वुड काटनी पड़ेगी तभी उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर उसने सोचा कैसे मैं अपने पापा के लिए अपने फादर के लिए थोड़ा सा साके कहा से लेकर आ सकता हूं ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दिन बिफोर और उसने क्या डिसाइड किया कि मैं आप पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा नेक्स्ट मॉर्निंग तारुद

वो काटता गया काटता गया काटता गया कब तक जब तक सन एकदम ऊपर नहीं आ गया सन क्लाइंब हो गया मतलब आफ्टरनून नहीं हो गया उसको इतनी गर्मी लग रही थी कि तो जो उसने जैकेट पहना हुआ था वो भी उसे उतारना पड़ा हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट अब उसको प्यास लग रही थी तो उसका जो पूरा माउथ था वो ड्राई हो गया था और उसको बहुत ज्यादा वो स्वेट कर रहा था पसीना आ रहा था उसे माई पुअर ओल्ड फादर ही था इफ होनली ही वॉज एज वर्म एज आई उसने सोचा वो मेरे बेचारे जो है मेरे मेरे फादर काश मेरे अंदर इस वक्त जो गर्माहट है वो उनको मिल जाती एंड विद डैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू टू बाय द साके टू वर्म द ओल्ड मैं बोन्स और उस थॉट के साथ उसने और जल्दी जल्दी काम स्टार्ट किया और ज्यादा वुड पीसेस काटने लगा ये सोच के कि शायद अगर आज उसने थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया तो वो साके खरीद पाएगा और अपने पापा को वो दे पाएगा देन सडनली चॉपिंग दैट साउंड ही हर्ड कुड इट बी बी पॉसिबली बी रशिंग जशिंग कुट पॉसिबली बी रशिंग पाउडर तो जब वो टैरो काट रहा था अचानक से वो रुक गया उसको कुछ आवाज आई उसने सोचा ये आवाज क्या है क्या ये वाकई एक रशिंग वाटर की आवाज़ है रशिंग मतलब एक बहुत जोर से बहते हुए पानी की आवाज़ है कुड नॉट रिमेंबर एवर सींगयरिंग रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट चारों ने कभी भी नहीं सुना था ना ना किसी ने उसे बताया ना उसने कभी खुद देखा कि यहाँ पे इस फॉरेस्ट में एक रनिंग स्ट्रीम है मतलब एक छोटी सी नदी है ही वॉज थर्स्टी द एक्स ड्रॉप एंड इन द डरेक्शन ऑफ द साउंड अब उसको बहुत प्यास लग रही थी उसका पूरा माउथ जो था वो एकदम ड्राई हो रहा था तो उसने अपने एग्स को वहां पर छोड़ा और जहां से आवाज आई थी उस तरफ वो दौड़ पड़ा टैरो सो अफुल लिटिल वॉटरफॉल हिडन बिहाइंड रॉक और उसने क्या देखा एक बहुत खूबसूरत सा वॉटरफॉल है जो एक पानी के एक जो बहुत बड़े से रॉक के पीछे छुपा हुआ था वॉटर फ्लोड क्वाइटली अब क्या हुआ जैसे एक वाटरफॉल है तो जैसे ये वॉटरफॉल है यहां से वो हो रहा है तो फिर उसके बाद वो फिर नीचे नॉर्मली बह जाएगा अगर आप नदी से पानी पीने के लिए जैसे झुकते हैं उसे कहते हैं टू नील डाउन तो नीलिंग क्वाइटली ऐसी जगह पे वो नील डाउन किया उसने जहां पे पानी बहुत आराम से बह रहा था कप द लिटिल इन

उसने वापस सी पिया फिर से वापस पिया लेकिन नहीं वो पानी नहीं था वो तो डिलीशियस साके था इंस्टेड ऑफ वाटर ओ माई गॉड वो साके के लिए इतनी मेहनत कर रहा था यहाँ पूरा का पूरा झरना है विच इज फुल ऑफ साके टारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम उसने क्या किया उसके पास एक पिक्चर था पिक्चर मतलब क्या होता है एक जग होता है यूजुअली जो होता है वो मिट्टी का जग जो होता है उसे हम पिक्चर कहते हैं या फिर एक बड़ा सा जग होता है उसके पास एक बड़ा सा जग था उसने क्विकली उसमें साके फिल किया एंड वो घर की तरफ चला गया द ओल्ड मैन वॉज डिलइटेड विद द साके जो ओल्ड मैन था वो डिल्लाइट था मतलब वो बहुत ही खुश हुआ जैसे उसको इतना अमेजिंग साके पीने को मिला आफ्टर ओनली one स्वेलो ऑफ द लिक्विड उसका बस एक घुट स्वेलो मतलब जो आप गल्प करते हो तो आपने मुंह में पानी भरा एक गल्प किया उसको स्वेलो करना कहते हैं तो उसने जैसे एक घुट पिया था उसका ही स्टॉप्ड शिवरिंग और वो जो ठंड से कांप रहे थे वो ही स्टॉप्ड शिवरिंग अब वो नहीं कांप रहे थे एंड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर उनके अंदर इतनी एनर्जी आ गई कि वहाँ पे जाके उन्होंने मिडिल ऑफ द फ्लोर में थोड़ा सा डांस भी कर लिया कि वो इतने ज़्यादा खुश थे इतने डिलइटेड थे

अब ऑब्वियसली वो भी कोई बहुत ज्यादा रिश्त थी नहीं तो उसने ग्रीडीली मतलब हंग्रीली एकदम ज़्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए दैट इज ग्रीडी लालच भरी तरीके से उसने वो पूरा पी लिया एंड थैंक द ओल्ड मैन और उसने उस ओल्ड मैन को थैंक यू देन टैरो टोल्ड द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल और टैरो ने बताया क्योंकि सबको पता है साखी इतना एक्सपेंसिव है ये लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे तब ने उसको टैदो ने उसको पूरा बताया कि जो वॉटरफॉल जो मैजिकल वाटरफॉल है उसमें कैसे साके जो है वो बह रहा है लेफ्ट इन तो उसने थैंक यू थैंक यू बोला और फटाफट वहां से निकल गई बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज और रात तक हर किसी को ये बात पता चल चुकी थी उसने हर जगह ये बात फैला दी That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. उस ईवनिंग को जैसे ही लोगों को पता चला इनके घर में साके है मैजिकल वाटरफॉल से आया है सब चले आए पीने के लिए तो एक लॉन्ग प्रोसेशन था मतलब एक लंबी लाइन लगी हुई थी बहुत सारे लोगों की and then each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. साकी हाँ, हर किसी ने वो स्टोरी सुनी about the amazing waterfall और एक साखी का सिप लिया

और बहुत जल्दी तैयार हो गया ही carried with विथ the द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वॉटरफॉल उसने क्या किया तुरंत तो उसके पास जो सबसे बड़ा पिक्चर था उसने उसको लिया और वो क्या चाहता था सारे लोगों से पहले वो पहुंच जाए और उसको भर ले ताकि उसके पापा को वो वो जो साके हैं वो दे सके वेन ही reached इट He found to hit great, ही फाउंड टू हेट गाइज ऑलर्स ऑलरेडी देर जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसके लिए एक सरप्राइज का सीन था कि जितने भी उसके नेबर्स थे कल जितने घर आए थे वो सब के सब already सब ऑलरेडी chuke hain चुके हैं carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic stick. और वो बाल्टियाँ लेके आए बड़े बड़े पिक्चर्स लेके आए टब लाए हर कुछ जिसमें वो मैजिकल आके को भर सके सब कुछ लेके आए वो लोग Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. फिर एक जो विलेजर था वो भी उसने kneel down किया पानी को पीने के लिए He drank again and, again. and then shouted angrily, "Water! Nothing but water!" उसने बहुत बार पिया और जितनी बार पिया उसका दिमाग खराब हो गया बोले ये क्या साके तो है ही नहीं ये तो झूठ बना रहे थे ये तो पानी है और कुछ भी नहीं है

ही वॉज नो वे टू बी फाउंड उन सब का दिमाग खराब हो गया कि ये क्या बेवकूफ़ी ये तो सिंपल पानी का झरना था और हमको उल्लू बनाया गया ही हैज़ ट्रिक उन सबको इतना गुस्सा उनने बोला तारों को लेके आओ पकड़ के आओ और इसी पानी में उसको डुबा के मार डालो ओके okay, तारो लेकिन बड़ा इंटेलिजेंट था वो कहीं छुप गया था वो जो जैसे उसने देखा कि यहाँ का सिचुएशन सही नहीं है तो वही पेड़ के पीछे छुपा और सीधे धीरे से वहाँ से खसक लिया क्योंकि उसको समझ में आ गया था वरना ये लोग तो उसको पकड़ के बहुत मारने वाले हैं सो मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन by वन मटरिंग मतलब जब ईजिली सुनाई नहीं देता खुन्नस में जो आप अपने मन में बुद बुदाते हो तो वो लोग ना बहुत गुस्सा थे बार बार बोले जा रहे थे और उसके बाद बड़े डिसअपॉइंट हो गए कि हमें तो लगातार साके मिलेगा तो उससे पानी था और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सारे विजर्स वहाँ से चले गए तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस अब जब तारो जहाँ पर भी छुपा हुआ था वो वहाँ से बाहर आया वॉज इट ट्रू ही वंडर्ड उसने सोचा क्या ये वाकई सही था कल जब मैं आया था मैंने साके बना था सब ने पिया था आज क्या ये पानी हो गया वॉज द साके अ ड्रीम फिर उसको लगा हो सकता है ये पूरा ड्रीम था क्या जो मैंने देखा वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स उसने वापस क्या किया थोड़ा सा लिक्विड लिया अपने हाथ में और उसको पीने लगा इट वॉज द सेम फाइन साके नहीं ये पानी नहीं था ये तो साके था टू दॉटफुल सन द मैजिक वाटर फॉल गेव द डिलिशियस साके टू एवरी वन एल्स इट ओनली गेव कोल्ड वाटर अब ये जो एक थाुल सन था जो अपने मम्मा पापा के लिए लेके जाना चाहता था जो इतनी मेहनत कर रहा था उसके लिए वो मैजिकल वाटरफॉल में साके निकल रहा था लेकिन बाकी जितने भी लोग थे जो सिर्फ लालच भरी नजरों से आए थे ग्रीड के कारण आए थे उनके लिए वो प्लेन कोल्ड वाटर था द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटर फॉल रीच द एम्पर ऑफ जापैन तो अब ये जो पूरी स्टोरी थी जो टैरो की जो स्टोरी थी और जो ये मैजिकल वाटर फॉल वाली थी जो सिर्फ तारो को ही मिलता था ये बात कहाँ तक पहुँच गई ये वहाँ के राजा तक वहाँ के एम्पर तक पहुँच गई ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विथ ट्वेंटी पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड वो बहुत खुश हुए वो क्यों खुश हुए क्योंकि ये उसको ये जो मैजिकल वॉटरफॉल था जिसमें से साके जाता था वो इसीलिए मिल जाता था बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड एंड काइंड सन वो इतना अच्छा लड़का था अपने मामा और पापा की इतनी रिस्पेक्ट करता था उनकी इतनी सेवा करता था इसीलिए उसके साथ ये हुआ एंड ही सेंट फॉर सेंट फॉर मतलब उसने बुलाया उसने बुलाया उसको ट्वेंटी पीसेस ऑफ गोल्ड दिए बहुत सारा पैसा दिया देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो उसके बाद जो पूरी सिटी में जो सबसे खूबसूरत वाटरफॉल था जो सबसे खूबसूरत फाउंटेन था फाउंटेन था उसका नाम उन्होंने रख दिया टैरो दिस सेड द एम्पल वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स ये उन्होंने क्यों किया उन्होंने कहा यह मैंने इसी लिए कहा ताकि ये एक एग्जाम्पल बने उन सारे बच्चों के लिए यू you नो know, आने वाले जितनी भी आपकी जनरेशन्स हैं ताकि वो भी अपने पेरेंट्स को बहुत सारा रिस्पेक्ट करें बहुत ओबे करें बहुत प्यार करें उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें एंड आई थिंक दिस इज वॉट वी हैड टू लर्न फ्रॉम द स्टोरी जब हम छोटे होते हैं तब हमें बोलना नहीं आता हमें चलना नहीं आता हमें बताना नहीं आता हमारी क्या प्रॉब्लम है तब वो हमारी अनकही हुई बातों को भी समझते हैं दे अंडरस्टैंड वॉट वी हैव एंड दे अंडरस्टैंड द पेन्ट दे जस्ट Uh, spend sleepless nights when we are not okay or when we are unwell. But when we grow up, we get friends and then we forget them because for the, for us the only people who are important in our lives are friends and parents. They are only people who are nagging us, but they nag us for the good. That is something we tend to forget. So remember everything. Grow up, but don't grow up in a, into a person who is disrespectful towards the parents okay so that was our story guys i hope you understood it and i hope you liked it so in our next video we are going to start with the question answers to understand if we understood the chapter well to understand if we understood the chapter well wow very good so till that time stay tuned and stay connected and i'll see you soon thank you bye bye